सख्त होते हैं, क्योंकि थोड़ी सख्त गर्मी होती है, उसमें वॉक वॉक करते हैं तो वहाँ पर पीछे उसके तरंगे में क्योंकि इंटरनेशनल डे है हमें करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हेमोफीलिया वो मर्ज है जिसपे फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो खून जो है वो पतला हो जाता है और खून पतला होने की वजह से जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग की जाती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग एक्सटर्नल जो ब्लीडिंग होती है उसमें अगर कट वगैरह हुआ या तो थोड़ा बहुत ही ब्लीडिंग की कमी होती है जब तक कि आप उसको फैक्टर 8 ना लगाएं, तो लगाएं तो उसको खून लड़ा हो जाएगा बंद हो जाएगा। इनमें से सबसे खतरनाक चीज जो है वो है इंटरनल ब्लीडिंग, जिसके अंदर ब्लीडिंग रहती है वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी पेनफुल है। और ये जो रहता है ये सिर्फ खास करके जो पैरों के ये फुटों के जोड़े के अंदर खून चला जाता है, उसकी वजह से जो है वो बड़ी सीवियर पेन होता है। जो मरीज है मुझे देखा मैंने उनको इतना पेन होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है और जब तक उनको फैक्टर 8 नहीं लगता तब तक वो उनको चैन नहीं आया। अच्छा फैक्टर 8 जो है वो अल्लाह कुदरत की मेहरबानी है कि जो रेटिनल फ्लूइड प्लाज्मा है जो कि जिसे हम व्हाइट सेल कहते हैं उसे फैक्टर 8 होता है। तो अगर हम रेटिनल फ्लूइड प्लाज्मा लगा दें तो उनका हो जाता है, जितना ब्लड का मिलना मुश्किल है इतना रेटिनल फ्लूइड प्लाज्मा का मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो -86 तक है तो 2 साल तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और जितने भी ब्लड बैंक है उसे हमारा का फ्री भरे हुए हैं रेटिनल फ्लूइड प्लाज्मा, और ये व्हाइट ब्लड व्हाइट सेल जो है इसे ब्लड के 4-5 घंटे के अंदर अंदर उसको हमने प्रोडक्ट बना लिए, इसमें हम बना सकते हैं, इसके बाद इसको प्लेटलेट बना सकते हैं और क्राइम बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फैक्टर 8 तो बड़ी आसानी से हमें मिल जाता है लेकिन फैक्टर 9 जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, वो नहीं मिलता है। इसमें कैसे भी जो है हेमोफीलिया के जो 9 की कमी की वजह से बहुत कम मिलता है, 5% है ज्यादातर जो है हेमोफीलिया उसको फैक्टर 8 में मिलता है। वैसे फैक्टर 9 भी जो है वो हमें मिल जाते हैं, पैक आते हैं पाउडर फॉर्म में आते हैं, आते हैं इंफेक्शन भी आते हैं आते हैं भी आ रहे हैं और फैक्टर 8 भी आ रहे हैं। फैक्टर 8 के अंदर फैक्टर 8 भी लगा सकते हैं लेकिन वो कुछ बहुत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारा जो FFP जो है प्लाज्मा है क्योंकि हमारा बाय प्रोडक्ट है और हर ब्लड बैंक में मौजूद होता है तो फ्री में मिल जाता है और फ्री में ट्रांसफूट कर देते हैं। बहुत से बहुत 2 बैग जो है वो लगती है 1 से 2 बैग, क्योंकि 1 बैग में 170 cc शायद होता है 170 से 200 cc होता है प्रति एक बैग, तो 1 बैग या 2 बैग लगा लें तो उसकी जान जो है करीब पेशेंट की 6 महीने 5 महीने के अंदर जान छूट जाएगी। और अगर वो पेशेंट अगर ये सोचे कि मेरा टाइम हो गया 5-6 महीने और अगर CBC कराता रहे तो उसे उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या पोजिशन है प्रति एक, तो उनको तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी उससे पहले लगा लें। हमारा अमूल ये होता है कि सरपंच इंतजार करता है जब उसके जोड़ों में दर्द होता है फिर भाग के आता है कि साहब मुझे तो ये हमें समय देनी होगी कि बजाय वो पेशेंट वेट करें इंतजार करें कि उनको जब पेन हो जब वो आए। इसी तरह जो है हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से जो है काफी अमराज जो है उसको फेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंगू वायरस है उसकी लाइफ बहुत कम है, 4 से 5 दिन रख सकते हैं उसको, उसको कंज्यूम हमें एजुकेट करना पड़ता है, उसको टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट है बिटवीन 22 to 28 में रखना पड़ता है लेकिन वही मिल जाता है। कहने वास्तव से कुदरत ने काफी बदलाव किए हैं, काफी अलग अलग दिया है ब्लड के काफी प्रोडक्ट आगे बढ़ना है ट्राई बन सकता है। अगर ब्लड आप देंगे तो ये बाय प्रोडक्ट बनेंगे, जब बाय प्रोडक्ट बनेंगे तो हमारे बहुत सी बीमारी में ये काम आएंगे, जैसे मैंने कहा प्लेटलेट जो है डेंगू वायरस में काम आता है, फिर आजकल जो है अपना प्लास्टिक एनीमिया ये ड्रग अब्यूज की वजह से या ड्रग की वजह से जो है ये बोन मैरो का अटैक करता है और प्लेटलेट